सर्दी का मौसम करीब आते ही जिला घोटकी की तहसील डहरकी के शहरी गर्म कपड़े खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, डहरकी के बाजार में मौजूद हैं एबीसी न्यूज के नुमाइंदा रियाज अली समीजो। जी रियाज अली, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल नाजरीन, घोटकी में भी मौसम सरमा करीब आते ही शहरियों के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। जहां शहरी कसी तादाद में घरों से निकलकर घोटकी की तहसील डहरकी की बाजारों में पहुंच गए, जहां गर्म कपड़े और शूज फरोब किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब बात करें तो सर्दी का मौसम हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, गरम और गरम लजीज खाने ना खाएं तो मजा ही नहीं आता। घोटकी के तहसील डहरकी में गरम खाने फरोख करने वाले ठेलों पर भी शहरी ज्यादा तादाद में नजर आए। और अब बात करते हैं गरम और गरम मूंगफली, जिसको मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह घोटकी के तहसील डहरकी में भी बड़े शौकों से खाया जाता है। सर्दी का मौसम हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, गरम और गरम मूंगफलियाँ रेती में पक रही हो तो खाने का मजा ही कुछ और है। इसी तरह अब बात करते हैं अंडे और मुर्गी का गरम और गरम सूप, जिसको डहरकी की बाजारों में बड़े ही शौक से पिया जाता है, जिसको सिंधी जबान में यखनी भी कहा जाता है। सर्दी चाहे जितनी भी आ जाए, शहरियों की तैयारियां जारी हैं। कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ एबीसी न्यूज रियाज अली समेजो घोटकी। बहुत शुक्रिया रियाज अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मज़ीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट abcnews.com.pk।